हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न क्लोथिंग हॉल। सो बेसिकली इस बार मैंने काफ़ी सारे ऐसे ड्रेसेस मंगवाए हैं, लाइक सूट्स मंगवाए हैं, या मतलब इस तरह के ड्रेसेस हैं कि आप रक्षाबंधन में हम उनको कंसिडर कर सकते हैं पहनना। तो अभी तक मैंने भी ट्राई करके नहीं देखा है, तो मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम उनको पहन करके भी देखूंगी और अपना रिव्यू दूंगी कि आर दे वर्थ बाइंग और नॉट। और मैंने दो तीन अलग अलग पैटर्न्स ट्राई करे हैं। इस वीडियो इज़ ऑल्सो इन collaboration with my haul store, तो description box में एक link दिया हुआ है, आप उस link को click करेंगे, जितने भी products हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे with pictures with prices। आपको अलग अलग links को click करने की जरूरत नहीं रहेगी, दो मैं अलग अलग links भी आपको दे दूंगी। So yes, without further ado, let's just get started with the video. Now coming to my this first suit, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही word बोलूँगी, perfect। मतलब this is the perfect, perfect fitting, perfect color, perfect suit। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था, मतलब ये इतना ज़्यादा क्लासी लग रहा था। मैं थोड़ा डाउटफुल थी इसको मंगवाने के टाइम पे कि पता नहीं कैसा लगेगा, रेयन फैब्रिक आ गया तो, कुछ ब्लेंड कॉटन आ गया तो, बट दिस इज़ प्योर कॉटन और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के। एंड देखिए ये कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है, मतलब इफ़ यू आर अ टीचर, आप वर्किंग वेमेन हैं, आपको छोटी मोटी पार्टी में जाना है, मतलब हर तरह के ओकेशन में आप इसको कैरी कर सकते हैं। दिस इज़ दैट स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सूट था ये। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड एक अच्छी खासी रेंज में आपको ये मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट सूट आपको मिल रहा है, थम्स अप फॉर दिस सूट, आई लव्ड इट। Now coming to my next dress is this Indo-Western kind of a dress। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्रॉप टॉप है एंड साथ ही साथ इसका बॉटम है। इसका जो बॉटम है वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सी थ्रू था एंड अच्छा खासा सी थ्रू था। इसके ऊपर एक कवर अप भी मिलता है, तो आप विदाउट कवर अप भी पहन सकते हैं एंड कवर अप के साथ भी पहन सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड ड्रेस, आई कैन से दैट। फैब्रिक इसका काफ़ी अच्छा था। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू रक्षाबंधन में तो आप ये कैरी कर सकते हैं। बोहिमियन ज्वेलरी आप इसके ऊपर साथ में कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा एंड कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ इसका काफ़ी अच्छा था। इसका फैब्रिक मुझे एक्चुअली में काफ़ी पसंद आया, फिटिंग वाइज भी परफेक्ट था, जिस साइज का मुझे चाहिए था वैसे ही साइज इसका आया था। तो ये है मेरा नेक्स्ट ड्रेस। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट ड्रेस, ये कॉर्ड सेट है, प्लाजो पैंट एंड क्रॉप टॉप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसकी फिटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। इसका जो बॉटम था वो बहुत ज़्यादा लूज था एंड जो टॉप था वो भी बहुत ही उटपटांग दिया हुआ था। इनफैक्ट इन्होंने जो ऊपर क्रॉप टॉप है उसमें इस तरह का बांधने का एक पैटर्न दिया हुआ है, बट एक्चुअली में आप इसको टाई नहीं कर सकते हो ना ही एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस ड्रेस इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। Now coming to my this suit, ये मैंने M size मंगवाया था because S size available ही नहीं था इन लोगों के पास, but काफ़ी ज़्यादा loose है, मतलब मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत ही alteration की ज़रूरत पड़ेगी, but ये काफ़ी ज़्यादा loose है, मतलब ये मेरे मम्मी के size का है। सूट बहुत pretty था, कुर्ता बहुत प्यारा था, प्योर कॉटन का सूट है, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत अच्छा था, बट आप इसका लूज़ वो देखिए कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब वो करवाना पड़ेगा, ऑल्टर कराना पड़ेगा, या तो मैं अपनी मम्मी को दे दूँगी। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि कॉटन था ऑब्वियसली एंड यस आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी प्यारा सा है एंड ओवरऑल इट्स अ गुड सूट। और अच्छे दुपट्टा वगैरह भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अच्छे प्राइस पर है, तो आई विल रिकमेंड इट। मतलब आप इसको अपना राखी का ड्रेस बना सकते हैं, अगर आपको सिंपल सा कुछ कैरी करना है दिन भर के लिए तो आप इस तरह का ड्रेस परचेज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट ड्रेस, आपको इसका दुपट्टा देख के मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली में ये कैमरे में बहुत ज़्यादा ही खिलता हुआ लग रहा है, बट ये हल्का सा मरूनिश काइंड ऑफ इसका दुपट्टा है, कॉटन का सूट है, बहुत प्यारा है, पार्टी वेयर है, आप इसको यू नो इवन आप करवा चौथ के लिए दिन भर के लिए पहन सकते हैं, राखी के लिए पहन सकते हैं, बहुत सारे अगर बहुत सारे ओकेजन में आप पहन सकते हैं, बिकॉज अब तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने ही वाला है हम लोगों का, तो आप कैरी कर सकते हैं, वेरी वेरी कम्फर्टेबल। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था, हल्का सा देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ तो गोल्डन गोल्डन से हिंट्स दिए हुए हैं एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके अंदर पॉकेट दिया हुआ था। मैं चेक कर रही हूँ कि मोबाइल आता है कि नहीं आता है, मोबाइल आ गया और बाहर से अगर आपने देखे ऐसे इसको रख दिया तो कितना सही लग रहा है ये, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और स्टिचिंग वगैरह सब कुछ, मतलब इसकी फिटिंग एकदम प्रॉपर आई थी, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई थी, तो यस हाईली हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छा सूट था ये। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट ड्रेस इज दिस क्वाड सेट। इसका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि ये कलर कुछ और था एंड इस जब ये आया तो इसका कलर थोड़ा डिफरेंट एंड बहुत डल लग रहा था। एंड कैमरे में तो फिर भी अच्छा लग रहा है, बट इन रियल ये बहुत ज़्यादा डल लग रहा था। उसके बाद ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव ड्रेस थी इस पूरे हॉल की, तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रही थी, इसके प्राइस को ये इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़ ये थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बीची वेकेशन में जा रही हूँ। दो अगर आप इस तरह का कुछ कैरी करना चाहते हैं फेस्टिव मोड में तो आप कर सकते हैं, बट आई एम नॉट
अनकंफर्टेबल एंड मैं शायद इसको रिटर्न कर दूंगी बिकॉज मुझे ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रही थी एंड थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी और मुझे अभी कहीं वेकेशन पे जाना भी नहीं है. That's it for my video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में. Till then, bye.